क्या हार्ट कोई इंडिकेशंस भी देता है क्या उससे पहले कि कुछ तो गड़बड़ है और हम अवॉइड कर देते हैं उन चीज़ों को? डेफिनेटली ये अधिकतर लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं. जब हमारे पास हार्ट अटैक का मरीज़ रात को पहुंचता है और हम उसकी इंटरवेंशन करते हैं तो उसका पहला रिस्पांस ये होता है कि डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक था, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं. हाँ. फिर जब हम उसकी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, फिर उसे धीरे धीरे बात करते हैं, तो फिर वो हमें बताता है कि नहीं, मुझे तो 3 महीने से ये दिक्कत थी, फिर मैंने थोड़ा चलना कम कर दिया, फिर पिछले हफ्ते मेरे को ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा घर ही में वॉक कर लूँ. तो सिम्टम्स होते हैं डेफिनेटली. पेशेंट की जो रूटीन डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कई लोग माना डेली 5 किलोमीटर चलते हैं, अच्छे से चलते हैं, फिर वन फाइन डे उनको लगता है कि शायद थक गए हैं, शायद सांस फूल रही है, इन अच्छा, सिम्टम्स दिक्कत को होने के बाद भी 5-6 किलोमीटर चल लेते हैं वो? नहीं. तो अच्छा जब उनको सिम्टम्स होने लगते हैं तो हाँ लोग अपनी उन्हीं एक्टिविटीज को कम करने लगते हैं. अच्छा कोई भी फर्स्ट सिम्टम आने पर थकान, कोई फर्स्ट सिम्टम थकान आने का, या फर्स्ट सिम्टम ब्रेथलेसनेस होने का, या फर्स्ट सिम्टम हार्ट में थोड़ा सा हैवी होने का, लोग उसके लिए इमीडिएटली डॉक्टर के पास नहीं जाते. लोग पहले अपने फिजिकल एक्टिविटीज कंटिन्यू करते हैं, लोग थोड़ा सा बहुत अपना डाइट में चेंज करके देख लेते हैं, लोग उसमें काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं. और खास जब तौर से उनके फीमेल्स. फीमेल्स, हाँ खास तौर से यस फीमेल्स और मेल्स भी करते हैं, और जब उनको सिम्टम्स कम्प्लीटली असहनीय हो जाते हैं हाँ तभी वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं. तो जब हमारे पास पहुँचते हैं तो ECG में कम्प्लीट ST एलिवेशन के चेंजेस होते हैं, तो कई बार वो लोग विश्वास भी नहीं करते हैं, उनको लगता है कि मैं तो ठीक ही हूँ, अभी गैस का ही दर्द है, गैस के सिम्टम्स बहुत कॉमन है. अच्छा, ऐसा एक्चुअल में हुआ भी है कि लोग कहते हैं कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, ये तो शायद दिल की कोई तकलीफ है, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो जी डॉक्टर हाँ बताता है कि ये गैस से जुड़ा हुआ दर्द है. जी हाँ, तो सीने में जलन होना हाँ इनडाइजेशन का भी सिम्टम होता है. देखिए जॉ लाइन यानी जबड़े से लेकर अम्बलाइकस तक, नाभि तक, कोई भी पेन हार्ट का हो सकता है. तो अच्छा इनडाइजेशन कैन मिमिक हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक को लोग इनडाइजेशन समझ के छोड़ भी देते हैं. और हमने ऐसे कई पेशेंट देखे हैं जिन्होंने पेंटोसिट घर में खा ली और 4 घंटे बाद वो नहीं बचे. सो अगर साथ में कोई भी और सिम्टम है, स्वेटिंग हो रही है, अनइजीनेस हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, या पहले से कुछ हिस्ट्री है, तो हमेशा डॉक्टर के पास जाके ECG कराने में कोई दिक्कत नहीं है. ये तो आपने सेम डे की बातें बताई ना कि जी सेम डे ये सब होगा. जी इसके स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या होंगे और एक्सट्रीम तक जाएंगे तो कैसे पहचाने? स्टार्टिंग सिम्टम्स सबको नहीं आते. देखिए स्टार्टिंग सिम्टम्स उनको आएंगे जिनको पहले से नस में ब्लॉकेज हो और चलने फिरने में दिक्कत हो रही है. तो वही बात है, वो अपनी रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं एक्टिविटीज़ को कि हम नहीं चलेंगे. बट एक एक्सेप्टेंस कि मुझे हार्ट की बीमारी है थोड़ी कम है, लोग डिनायल मोड में रहते हैं. लेकिन जिनको क्लॉट बना है इमरजेंसी वाला, अभी एकदम से बना है, जिनकी आर्टरीज नॉर्मल है, उनको पहले से सिम्टम्स नहीं आएंगे. तो जैसे ही सिम्टम आए आपको सबसे पहले निकटतम हॉस्पिटल, सबसे पास में जो है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे सो एंड सो नोन डॉक्टर वहाँ है तो मैं वहाँ जाऊँ. नहीं, पास में जाके ECG कराइए सबसे पहले. अगर ECG ठीक है और डॉक्टर देख लेता है, कुछ ब्लड टेस्ट करेगा, अगर वो सब ठीक है देन यू कैन प्लान आपको जिसके पास जाना है जाइए, वरना प्राइमरी ट्रीटमेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके. हार्ट टाइम नहीं देता. अच्छा, कहते हैं कि रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, तो हार्ट से जुड़ा चेकअप क्या होगा और ये कितने टाइम पर कराना चाहिए? मीन्स अगर ब्लॉकेज की दिक्कत बनने लगी है आपके अंदर तो वो कितने दिन में डेवलप होती है? देखिए डिपेंड करेगा कि आपकी एज ग्रुप क्या है. अच्छा, जैसे अगर हम और खान पान भी, जैसे हम 20 से 25 साल के बच्चों का अगर करें तो उनका हम एक बेसिक लिपिड प्रोफाइल करा लें, देख लें कि उनको BP तो नहीं बढ़ा हुआ है, शुगर तो नहीं है, उनका खान पीन चेक करें, उनकी लाइफ स्टाइल चेक करें, उनको देखें कि वो कुछ जिम में जाके कोई स्टेरॉयड वगैरह तो नहीं खाते, स्मोकिंग तो नहीं कर रहे हैं, कोई टॉक्सिक ड्रग्स लीजर ड्रग्स तो नहीं खा रहे हैं, तो ये सब पे हम एक चेक करें. उसके बाद जब थोड़ी सी एज बढ़ती है तो फिर ये टेस्ट हम लोग रिपीट कर लें एक बारी. जो एक स्ट्रेस टेस्ट होता है, TMT मशीन पे चलने वाला टेस्ट है, वो हार्ट की बीमारियों के लिए, यंग लोगों के लिए बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता है. तो इसलिए उसकी एक लिमिटेशन है. जिन लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, और उनको अगर इस प्रकार के सिम्टम्स हो रहे हैं कि चेस्ट में हैवीनेस होती है, ECG कई बारी नॉर्मल आ गई है, कई बारी ट्रोपोनिन टेस्ट भी नॉर्मल है, तो उनको कई बारी CT कॉर्नरी एंजियोग्राफी कराने में भी काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. अगर वो नॉर्मल है तो एटलीस्ट पेशेंट के दिमाग से भी निकल जाता है, बट पेशेंट कैन कैरी ऑन विद हेल्दी लाइफ स्टाइल. और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो फिर वो अपना उसके हिसाब से मेडिकेशंस ले सकता है. तो बेसिकली उसका एक असेसमेंट तो कम्प्लीटली होनी चाहिए. जी जी डॉक्टर राशि, मेरा भी एक सवाल है. जो लोग स्टेरॉइड्स नहीं लेते, जिम जाते हैं, मैं भी उनमें से हूँ, जब मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ या बहुत सांस फूल रही होती है तो मन में डर लगता है कि ये कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है. Yes. ये नॉर्मल है क्या?
देखिए, अगर आपको अनड्यू सांस फूल रही है जितने आपके पीयर्स को होनी चाहिए, जैसे अगर आप 5 किलोमीटर रन करोगे तो किसी की सांस फूलेगी, हमारी आपकी हाँ. दोनों की फूलेगी. पर अगर आपको लगता है जैसे पहले फूल रही थी उससे कुछ डिटोरिएशन हो रहा है तो इवेल्युएशन जरूर कराना चाहिए. एंड 40 के बाद एक TMT को जो स्ट्रेस टेस्ट होता है वो सबको कराना चाहिए. और फर्स्ट ये ECG होगा. ECG सबसे पहले होगा, ECG एंड देन एको. वैसे भी देखिए, मुझे ऐसा लगता है अननेचुरल जितनी भी चीजें हैं, जैसे ये आजकल जो फैब चल रहे हैं 6 packs वगैरह के, ये नेचुरल नहीं है. हाँ. इसके लिए आपको बहुत अनड्यू मेहनत करनी पड़ती है एंड बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं. तो हेल्दी रहिए, 30 minutes ऑफ एक्सरसाइज फॉर 5 times a week, दैट इज सफिशियंट फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बींग. मॉडरेट एक्सरसाइज, बहुत हैवी जिमिंग की जरूरत नहीं होती है. दैट इज, दैट विल मेक योर हार्ट हैप्पी. मैं भी आप दोनों से ही एंड में हम महिलाएं के व्यूअर्स के लिए संदेश चाहती थी कि आप लोग ज़रूर कहें. तो डॉक्टर राशि ने बता दिया है कि हार्ट को कैसे हैप्पी रखना है और अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखना है. एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से. मेरा संदेश सभी इस ग्रुप के लोगों के लिए डिफरेंट है. यंग लोग भी, जो बच्चे छोटी जनरेशन के लोग हैं, वो शुरू से ही अपना लाइफ स्टाइल फॉलो करें, अच्छा लाइफ स्टाइल फॉलो करने की कोशिश करें, उसके बाद में उसी को कैरी करें. और जो स्मोकिंग है, जो गलत चीज़ें हैं, उनको शुरू से एक कोशिश करें कि अवॉइड करें. हेल्दी खाना खाएं और जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको असेस करें, असेस कराते रहें डॉक्टर्स के पास जाके, और टाइमली उसके इंटरवेंशन कराएं. यानी जंक फूड छोड़ देना है, एक्सरसाइज करनी है प्रॉपर, स्टेरॉइड्स या फिर 6-pack एब्स के चक्कर में नहीं पड़ना है. हेल्दी लाइफ जिएंगे तो हमारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा. बस खुद का थोड़ा सा ध्यान रखना है. और अगर इंडिकेशंस मिल रहे हैं दिल से जुड़ी किसी भी बीमारी के, तो उसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है. डॉक्टर कविता, डॉक्टर राशि, आपने बहुत डिटेल में हमारे व्यूअर्स तक ये जानकारी पहुंचाई है. मन तो और भी था आपसे सवाल करने का, लेकिन चूंकि वक्त का इशारा है, अभी के लिए आप दोनों का ही स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू.